नमस्कार दोस्तों, इंस्टॉलर गुरु यूट्यूब चैनल के और एक फ्रेश एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त सुदीप। आज हम लोग विंडोज सैंडबॉक्स के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। विंडोज सैंडबॉक्स विंडोज का एक प्री डिफाइंड फीचर है जो विंडोज 10 और विंडोज 11 पीसीज में आता है विद द प्रो वर्सन। इसके लिए नॉर्मल प्री रिक्विजिट विंडोज 10 प्रो एंटरप्राइज और एडुकेशन बिल्ट ऑन बिल्ड वर्सन ये होना चाहिए या फिर विंडोज 11 में होना चाहिए। विंडोज सैंडबॉक्स एक्चुअली होता क्या है, विंडोज सैंडबॉक्स आपको एक वर्चुअल एनवायरनमेंट देता है आपकी करंट पीसी का ही। मान लीजिए आप कोई सॉफ्टवेयर टेस्ट करना चाहता है जो आप अपने करंट कंप्यूटर में जो वर्किंग कंडीशन में है, जिसमें आप डे टू डे काम करते हैं, उसमें वो टेस्ट करना नहीं चाहते ताकि कोई वायरस या कुछ अदर मैलफंक्शन ना हो जाए। इस तरह का टेस्ट एंड ट्रायल या फिर कोई अदर ऐसा वेबसाइट में आप जाना चाहते हैं जिसमें मलिशियस एक्टिविटीज़ हो सकता है या टेस्ट के लिए करना चाहते हैं, तो विंडोज सैंडबॉक्स आपको एक टेस्ट एनवायरनमेंट देता है वर्चुअली रेडी बिल्ड, जिसमें आप टेम्पररी उस वर्चुअल बॉक्स के अंदर आप काम करेंगे वर्चुअल पीसीज के अंदर। देन जब आपका काम ख़त्म हो जाएगा वो क्लोज करते ही वो सारे डिलीट हो जाएंगे। तो आज इसे हम लोग एनेबल करेंगे। तो इसको एनेबल करना बहुत ही ईजी है, आपको स्टार्ट बटन में क्लिक करके आपको टर्न ऑन विंडोज फीचर्स वाली ऑप्शन को एनेबल करना है, जो कि टर्न ऑन विंडोज फीचर्स ये बॉक्स आपके पास आएगा। इस बॉक्स के अंदर जैसे ही आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे फीचर्स यहाँ दिख रहा है। इसके अंदर आपको एक फीचर्स दिख रहा है दैट इज़ कॉल्ड विंडोज सैंडबॉक्स, इसे आपको एनेबल करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ आपको वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म या हाइपरवाइजर प्लेटफॉर्म को भी एनेबल करना पड़ेगा। एनेबल करने के बाद आपको ओके करना है। ओके करते ही आपको इंटरनेट से कोई भी अगर अपडेट्स है इसके रिलेटेड वो भी आपके डाउनलोड हो जाएगा, अप्लाई चेंजेस हो जाएगा। ये फीचर्स आपका ऐड हो रहा है, अभी ऐड होने के बाद ये अप्लाई होगा एंड उसके बाद आपको एक बार रिस्टार्ट करना पड़ेगा पीसी को। रिस्टार्ट करने के बाद हम लोग वापस आते हैं, विंडोज सैंडबॉक्स को ऑन करने के बाद देखेंगे कैसा दिख रहा है। पीसी अभी सक्सेसफुली रिस्टार्ट हो चुका है। अब रिस्टार्ट होने के बाद हम लोग स्टार्ट बटन में क्लिक करेंगे और लिखेंगे सैंडबॉक्स। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि विंडोज सैंडबॉक्स नाम से एक ऐप्स ऑलरेडी आपके पास यहाँ पर आ चुका है। इसे हम लोग ओपन करेंगे। ये आप देख पा रहे हैं कि इसमें एक प्योरली आपके पास एकदम प्रॉपर एक विंडोज 10 पीसी जो मेरे पास अभी रनिंग में है, उसी सेम पीसी आपके पास यहाँ पर वर्चुअली ओपन हो चुका है, जिसके अंदर आप काम कर सकते हैं। और इसके अंदर कुछ भी काम करेंगे ये टेम्पररी सेव होगा, जितना देर आप काम कर रहे हैं उतना देर ही ये चलेगा, उसके बाद ये सारे मिट जाएगा। जैसे ही आप इसे यहाँ से क्लोज करेंगे तो आपको लिखा आ रहा है कि ये ऑटोमेटिकली जो है ना परमानेंटली डेटा लॉस हो जाएगा। तो इसमें आप वही काम करें जो आपको टेस्टिंग पर्पस में चाहिए। मान लीजिए आपको कोई इंटरनेट ब्राउज करना है, कुछ ऐसा साइट है वेबसाइट विजिट करना है जो आप नॉर्मल आपके डे टू डे वर्किंग पीसी में नहीं करना चाहते हैं, उसे आप यहां से ब्राउज करके देख सकते हैं। उस सारे प्रोग्राम्स को आप इंस्टॉल करके देख सकते हैं जो आप कभी टेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन अपने जो डे टू डे वर्किंग पीसी है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा बोल के आप इसे टेस्ट नहीं कर पाते। तो विंडोज 10 में ये सैंडबॉक्स विंडोज़ का एक बहुत अच्छा फीचर्स है जो आप कंट्रोल पैनल में जाने के बाद आप यहां से प्रोग्राम फीचर्स में आएंगे, यहां से टर्न ऑन विंडोज फीचर्स करेंगे, जिसके अंदर विंडोज सैंडबॉक्स बोल के ऑप्शन रहेगा जिसको आपको इनेबल करना है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई सवाल या सुझाव रहेगा तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।